हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज कृष्णा एंड यू आर वाचिंग राइट नाउ केमिस्ट्री नाउ और फेस्ट। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो क्लास, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं सोल्यूशन के एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि इस पूरे सोल्यूशन की जान है, या फिर यूं कहिए कि सोल्यूशन का ये टॉपिक हर साल बोर्ड से एक न्यूमेरिकल लेकर के आता ही आता है। इस टॉपिक का नाम है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो चलिए टाइम को वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं, समझते हैं क्या होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। बात करने वाले हैं हम लोग यहाँ पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। एक्चुअली लैटिन वर्ड है को प्लस लिगेट, इसे समझिएगा। को का मतलब होता है टुगेदर, साथ साथ, ओके, और लिगेट का मतलब होता है बाइंड, ओके। मींस कहना ये है कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की और समझते हैं थोड़ा सा सॉल्वेंट का एग्जांपल लेकर के, कि कोई एक सॉल्वेंट है, ओके, अब इस अकेले सॉल्वेंट का अपना कुछ ना कुछ तो पर्सनल प्रॉपर्टी होगा, जैसे इसका बॉइलिंग पॉइंट, जैसे इसका वेपर प्रेशर, जैसे इसका फ्रीजिंग पॉइंट या फिर मेल्टिंग पॉइंट, जैसे इसका ऑस्मोटिक प्रेशर। ये सारी बातें क्या होंगी? सॉल्वेंट की अपनी पर्सनल होंगी। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कोलिगेटिव में? टुगेदर बाइंड, मीन्स सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। कब? जब इसी सॉल्वेंट में कोई सॉल्यूट आ जाए। अब अगर सॉल्यूट आएगा तो सॉल्वेंट के साथ क्या हो जाएगा? साथ साथ बाइंड हो जाएगा। अब सॉल्यूट के सॉल्वेंट के साथ बाइंड हो जाने के बाद वेपर प्रेशर में कुछ बदलाव आएगा, पहले जैसा तो रह नहीं जाएगा। राउल्ट्स का लॉ हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। बॉइलिंग पॉइंट में बदलाव आएगा, फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर में बदलाव आएगा, चेंजेस आएंगे ना। तो उन चेंजेस को जो कि सोल्यूशन में पैदा हुआ है, ना तो सॉल्यूट में ना ही सॉल्वेंट में, किसमें? सोल्यूशन में, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और जो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा किस पे? सॉल्यूट के नंबर पे, ना कि नेचर पे, ओके। तो डिफाइन कैसे करेंगे हम लोग, डेफिनेशन क्या देंगे इसकी? अब बताओगे, दोज प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन, दोज प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन व्हिच डिपेंड्स अपॉन ओनली नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, जो किस पे डिपेंड करेगा? सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करेगा। मेरी बात को समझने की कोशिश करिए भाई। सॉल्वेंट अकेला था, सॉल्यूट इसमें आया, सॉल्यूट आएगा तो क्या करेगा? बाइंड करेगा। अब भैया अगर मैं मान लो थोड़ी देर के लिए यहाँ पर यूरिया का एग्जांपल लेता हूँ, कि सॉल्यूट के फॉर्म में मैं यूरिया डालता हूँ, जो कि नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है ये? नॉन वोलेटाइल, मतलब वेपर फॉर्म में नहीं जाएगा। दूसरा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, मीन्स ब्रेक नहीं होगा कटायन एनायन में। तो यूरिया नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, जिसका फार्मूला है यहाँ पे NH2CuNH2। चूंकि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, इन दोनों की मौजूदगी में ये सब क्या बनाएंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे, ठीक। एक यूरिया दूसरे यूरिया के मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहेगा। अब ध्यान ये देना है कि नंबर पे कैसे डिपेंड करेगा, नेचर पे नहीं डिपेंड करेगा। यूरिया का नेचर क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना। अब हाइड्रोजन बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के बिटवीन होगी, वही स्ट्रेंथ अब पूरे के पूरे सॉल्यूशन में, चाहे 10 मॉलिक्यूल, 20 मॉलिक्यूल, 50 मॉलिक्यूल, 100 मॉलिक्यूल, 1000 मॉलिक्यूल आ जाएंगे, सब के सब बनाएंगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड ही ना। उन सारे हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ वही होगी जो किसी दो के बिटवीन है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये अकेला सॉल्वेंट 100 डिग्री सेल्सियस पर पहले बॉयल हो रहा था और 10 मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया के डालने पर या 10 मोल यूरिया को ऐड करने पर इसका टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, मींस बॉइलिंग पॉइंट नहीं हो गई 102 डिग्री सेल्सियस। तो अब ध्यान दीजिएगा, 10 मॉलिक्यूल अगर आप 10 मोल आप डाल रहे हो तब इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना मिला? 102। अगर आप इसका नंबर और बढ़ा दो,
20 मोल कर दो तो फिर बॉइलिंग पॉइंट और बढ़ जाएगा, 30 मोल कर दो बॉइलिंग पॉइंट और बढ़ जाएगा, 40 मोल कर दो बॉइलिंग पॉइंट और बढ़ जाएगा। लेकिन आप ध्यान दो किसकी बात हम लोग कर रहे हैं, मोल, और इसका सॉल्वेंट क्या रहेगा, फिक्स लीटर, मींस मोलरिटी पे डिपेंड करे, मोलरिटी पे डिपेंड करे, नेचर पे डिपेंड ना करे। भाई अगर मुझे इसे ब्रेक करना होगा, सपोज करो मुझे इसे ब्रेक करना होगा, तो चाहे दो मॉलिक्यूल रहे तब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग 102 डिग्री सेल्सियस पर ब्रेक हो जाएगा, चाहे 1000 मॉलिक्यूल रहे वो भी 102 डिग्री सेल्सियस पर ही ब्रेक हो जाएगा। लेकिन डिपेंड किस पे करेगी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, सॉल्यूट के नंबर पे डिपेंड करेगी, किस पे डिपेंड करेगी, नंबर पे डिपेंड करेगी, ओनली नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, ना कि नेचर पे, क्लियर। लेकिन थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना है हमें, इस बात को समझना है कि अब भाई जो हम लोग सॉल्यूट डाल रहे हैं वो दो तरीके का होगा। हाँ, सॉल्यूट के नंबर पे तो डिपेंड करेगा सर, समझ में आ गया, ओके। लेकिन पहली ये दो बातें इनकी मास्टर पॉइंट हैं। पहला ध्यान दीजिएगा, इक्विमोलर अगर हम लोग ले लें, इक्विमोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया का ले लें, ग्लूकोज का ले लें, यूरिया भी नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ग्लूकोज भी नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, शुगर का ले लें, चीनी ले लें, ये भी नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। इक्विमोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया ग्लूकोज शुगर हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या थी ऑस्मोटिक प्रेशर, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी। जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, अगर नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट हम लोग डाल रहे हैं तो इक्विमोलर एक्वस सॉल्यूशन में सेम होगा, मींस जो शुगर की मौजूदगी में होगा वही ग्लूकोज की मौजूदगी में और वही यूरिया की मौजूदगी में भी होगा। 10 ग्राम यूरिया डालने पर जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ही ग्लूकोज के भी डालने पर बढ़ेगा, उतना ही शुगर के भी डालने पर बढ़ेगा, ओके। लेकिन 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 दूसरी बात ध्यान दीजिए तो, ओके, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ NaCl, CaCl2, Na3PO4 आर नॉट सेम, ये बराबर नहीं होंगे भाई। क्यों? क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है किस पे, नंबर ऑफ सॉल्यूट पे। जब ये जाएगा सॉल्यूट सॉल्वेंट में तो डाला जाएगा तो एक मोल, लेकिन जाने के बाद ये दो मोल बना लेगा, एक हो जाएगा Na प्लस का, एक हो जाएगा Cl माइनस का, मीन्स सॉल्यूट का नंबर यहाँ क्या हो गया, बढ़ गया। CaCl2 अगर डाला जाएगा तो एक Ca+2 बना लेगा, लेकिन 2Cl- बनाएगा, तो टोटल नंबर कितने हो गए यहाँ पे, 3 हो गए। डाला कितना गया था, 1। इट मीन्स अगर इलेक्ट्रोलाइट मौजूद होगा तब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, चाहे इक्वल मोल ही दिया जाए उन सॉल्यूट का। लेकिन अगर नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तब उनका इक्विमोलर सॉल्यूशन इक्व सॉल्यूशन सेम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करेगा, ओके। तो आई बात समझ में, क्या बताएंगे, दोस प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन व्हिच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इज नोन एज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ओनली एंड ओनली डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, नॉट नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, ओके। नेचर पे कभी नहीं डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, नंबर पे डिपेंड करेगा। चलिए भाई बात समझ में आई, अब बात कर लेते हैं हम लोग किसकी, इसके टाइप की, कि कितने टाइप के होते हैं। सर आपने बताया था ना स्टार्टिंग में, जो सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी थी वही तो बदली थी ना, तो वही तो उसका टाइप होगा ना। हाँ बिल्कुल, फिर भी एक नाम रख लेते हैं यहाँ पे, टाइप ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, टाइप, टाइप में आप बताओगे सबसे पहला क्या, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ओके। दूसरा क्या, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट,
एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा क्या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग फ्रीजिंग ओ आर मेल्टिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट, एंड फोर्थ ऑस्मोटिक प्रेशर। भाई याद करिए, जो सॉल्वेंट था उसका बॉइलिंग पॉइंट अलग था, अपना पर्सनल था, किसका सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का, उसका वेपर प्रेशर अलग था, उसकी फ्रीजिंग पॉइंट अलग थी, ऑस्मोटिक प्रेशर अलग था। वही जब सॉल्यूट आया तभी तो ये चारों चीज़ें बदल गई, और सॉल्यूट का सॉल्वेंट के साथ में मिल जाने से किसका फॉर्मेशन हो गया, सर सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो गया। इसका मतलब हो गया कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट की नहीं। क्लियर? तो कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं। तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं एक यहाँ पे। सबसे पहला लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ओके, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, आइए बात करते हैं इसके बारे में। बहुत ईजी है, बड़ी आसानी से आप समझ जाएंगे। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। बहुत ही आसान है इसे समझना, बिकॉज वेपर प्रेशर तो क्लास हम लोग पढ़ चुके हैं और वेपर प्रेशर समझ चुके हैं पहले से भी। तो यहाँ क्या समझना है, रिलेटिव लोअरिंग मीन्स वेपर प्रेशर कम कैसे होगा। चलिए समझते हैं। जब हमारे पास प्योर सॉल्वेंट हो, ओके, तब अगर वो वेपर बनाएगा तो थोड़ा याद करिए, जो मॉलिक्यूल्स यहाँ होंगे सरफेस पर वो सिर्फ और सिर्फ किसके होंगे, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल होंगे। क्लियर? किसके मॉलिक्यूल होंगे, सॉल्वेंट के। चूंकि इवेपोरेशन सरफेस फेनोमेना है इसलिए सरफेस के मॉलिक्यूल वेपराइज होंगे, वेपर फॉर्म में जाएंगे। क्लियर? और कहाँ पहुँचेंगे, सरफेस के ऊपर, कंटेनर से टकराएंगे, वापस आएंगे और अपने ही सरफेस पर दोबारा क्या एग्जर्ट करेंगे, प्रेशर। तो यहाँ जो टोटल प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट की वजह से, कोई और नहीं है। मींस पी नॉट ए, पी नॉट ए किसके लिए स्टैंड है यहाँ पर, पी नॉट ए प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, प्योर सॉल्वेंट वेपर प्रेशर। ओके, या प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है। अब बात हो रही है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की, इसका मतलब हो गया कि टुगेदर बाइंड, मींस किसी न किसी को इसके साथ बाइंड होना है। कौन है वो, सर सॉल्यूट होगा, क्योंकि अब सॉल्यूशन का फॉर्मेशन तो तब होगा जब सॉल्यूट आएगा। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर अब सॉल्यूट आएगा तो क्या होगा इस जगह पे, आप बताओ कि सर अगर सॉल्यूट आएगा तो जो सॉल्यूएंट के मॉलिक्यूल हैं उनके बिटवीन सॉल्यूट का मॉलिक्यूल बाइंड कर जाएगा, ऐसे ऐसे हर सॉल्वेंट के बिटवीन सॉल्यूट का मॉलिक्यूल, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी, यहाँ भी। क्लियर? बाकी सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल जो यहाँ ऊपर मौजूद था वो कहाँ चला जाएगा, वो सॉल्यूट के चारों तरफ, ये रहा, ये रहा। इसका मतलब हो गया कि अब सॉल्यूट के चारों तरफ सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के चारों तरफ सॉल्यूट हो गए। फिर वही बात होगी कि जो एवेपोरेशन है वो कैसा फेनोमेना है, सरफेस फेनोमेना है। तो भाई जो सॉल्यूट है वो हमारे नॉन वोलेटाइल, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, मींस वो तो वेपर फेस में जाएंगे नहीं। इसका मतलब हुआ अब वेपर में कौन जाएगा, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल। तो पहले वेपर के फॉर्म में जितने मॉलिक्यूल थे वो सॉल्वेंट के थे, अब भी जितने मॉलिक्यूल हैं वो सॉल्वेंट के ही हैं। चूंकि सरफेस फेनोमेना है और सरफेस पर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल कम हो चुके हैं, बिकॉज सॉल्यूशन होमोजेनस मिक्सचर है, सॉल्यूट भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है और सरफेस पर सॉल्यूट के भी मॉलिक्यूल मौजूद हैं। अब जब हीट दिया जाएगा या एवेपोरेशन होगा तो सिर्फ सरफेस पर मौजूद सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ही वेपर फॉर्म में जाएंगे और सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के द्वारा ही प्रेशर जनरेट होगा।
हालांकि यहां भी सॉल्वेंट के द्वारा जनरेट हो जाता, बट यहां पर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का नंबर कम होगा। कहां? जब ये सॉल्यूशन फॉर्म में आ जाएंगे तब, मींस सॉल्वेंट के साथ में क्या ऐड हो जाएगा, सॉल्यूट, मींस क्या बन जाएगा अब ये सॉल्यूशन, क्या बन गया सॉल्यूशन। तो इसे किससे एक्सप्रेस करेंगे तब बताओगे, इसके द्वारा एग्जर्ट किए गए प्रेशर को हम लोग एक्सप्रेस करेंगे पीए से, मींस प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। और यहाँ भी प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है बट कंटेनर में कौन है, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट ही है, इसलिए नॉट लगा दिया जाता है। यहाँ सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों है बट प्रेशर सिर्फ और सिर्फ किसके द्वारा एग्जर्ट हो रहा है, सॉल्वेंट के द्वारा, तो किससे एक्सप्रेस करेंगे पीए से। राउल्ट्स लॉ याद करिए, क्या बात हुई थी कि यहाँ पे पीए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के, या फिर पी ए इज इक्वल टू के मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। के किसके इक्वल होता था, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था पी नॉट ए, के किसके इक्वल है, पी नॉट ए पार्शियल प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट है, क्लियर। अभी क्या हम इसे पी नॉट ए वन माइनस एक्स ए नहीं राइट कर सकते, बिकॉज हम जानते हैं कि एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू वन, या फिर एक्स ए इज इक्वल टू एक्स बी माइनस वन, वैल्यू पुट कर दी गई। ओके, अब थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पे, बस लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होने वाला है। पी ए इज इक्वल टू क्या होगा, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स ए। अब इसी के हम लोग ये नहीं राइट कर सकते, पी नॉट ए माइनस पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, एक्स ए ए ए सॉरी। ये वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपको ध्यान दीजिए, पी नॉट ए क्या था, पी नॉट ए था प्योर सॉल्वेंट वेपर प्रेशर, मींस वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट का था, उसमें से माइनस कर दिया गया किसका, सॉल्वेंट का प्रेशर। तो क्या ये बता नहीं रहा कि लोअर हो रहा है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम हो रहा है। पहले कितना था, पी नॉट ए था, सपोज करो थोड़ी देर के लिए कि पहले मान लेता हूँ मैं 10 था, अभी 2 माइनस हो गया तो मिला कितना टोटल 8 मिला, 10 बड़ा है कि 8 बड़ा है, सर 10 बड़ा है, मतलब 8 क्या है लोअर है, इसलिए यही क्या है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ओके, क्या हम इसे ऐसे नहीं राइट कर सकते, पी नॉट ए माइनस पी ए अपन पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी। यहां से भी बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों तरीके को आप रख लीजिए। ओके, क्वेश्चन में वेपर प्रेशर तो पूछेगा ही पूछेगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से, बट एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है यहाँ पे कि हर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास भी पूछ लेता है, तो उसे आप कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ पर आपके पास है पी नॉट ए माइनस पी ए अपान पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी, और अगर आपको याद होगा क्लास तो एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। क्या हम इसे ऐसे नहीं राइट कर सकते, एन बी अपान एन ए प्लस एन बी, यस सर बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। और हमारी बात हुई थी आपसे कि एन बी का अमाउंट बहुत कम है अगर, तो उसे हम लोग क्या मान लेते हैं, निगलेट मान लेते हैं। वैसे भी वेपर प्रेशर के केस में तो सॉल्यूट ऊपर जा ही नहीं रहा है, टोटल किसका प्रेशर हमें मिलेगा, किसका फ्रैक्शन हमें मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट का मिलेगा, इसलिए इसे निगलेट कर देते हैं। मिलेगा हमारे पास फार्मूला पी नॉट ए माइनस पी ए अपान पी नॉट ए इज इक्वल टू एन बी अपान एन ए, या फिर पी नॉट ए माइनस पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इज इक्वल टू, यहाँ क्या राइट कर सकते हैं आप, यहाँ आप रख सकते हैं गिवेन मास ऑफ सॉल्यूट अपान मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपान, यहाँ क्या राइट कर सकते हैं गिवेन मास ऑफ सॉल्वेंट अपान मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, क्लियर। या फिर ये जो डिवीजन का या डिवाइड का सिंबल है इसे हम लोग किस में बदल दें, मल्टीप्लाई में, फिर हम इसे पलट देंगे, ये कहाँ चला जाएगा ऊपर एम ए अपान डब्ल्यू ए,
इस तरीके से आपके पास एक फार्मूला ये भी हो जाएगा। अब अगर आपको दिया जाए कि आप कैलकुलेट करिए रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो आप बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। गिवन मास ऑफ सॉल्यूट मीन सॉल्यूट का मास कैलकुलेट करिए कि कितना मास डालने पर वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, या इतना कम हो जाएगा, या कितना परसेंट कम हो जाएगा। ऐसे तमाम क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन रहेगा यहाँ पे? मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना। सबसे ज़्यादा 80% केसेस में सिर्फ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट ही पूछा जाता है। ओके, तो ये है आपका रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। बहुत आसान था। फिर अगला लेके मिलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे।